लगभग डेढ़ महीने के लॉकडाउन के बाद आज से दिल्ली को राहत मिल रही है। 19 अप्रैल को लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और अब तक इसे जारी रखा गया था। आज से इस लॉकडाउन में ढील और राहत की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया तेज हो गई। अलग अलग राज्यों में कई तरह की ढील दी जा रही है, कुछ पाबंदियां हालांकि जारी रहेंगी। दिल्ली में दुकानें आज से ऑड इवन के फॉर्मूले पर खुल रही हैं, तो वहीं मेट्रो ट्रेन भी दौड़ने लगी है, लेकिन 50% मुसाफिरों की क्षमता के हिसाब से ही मेट्रो अभी चल रही है। पांच तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है। दिल्ली में इसकी शुरुआत आज से हुई है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि कैसे महाराष्ट्र में भी इस वक्त। और जानकारी के साथ दिल्ली से सुशांत मेहरा हमारे साथ मौजूद है और मुंबई से दिवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, पहले आपका रुख करते हुए, देश की राजधानी दिल्ली में देखिए 300 के करीब केसेस बीते 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं और आज से अनलॉक को लेकर जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें काफी राहतें भी हैं। आप जब ग्राउंड पर मौजूद हैं, किस तरह का फर्क आप देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, फर्क काफी ज्यादा है क्योंकि पिछली बार जब अनलॉक हुआ था तो काफी ज्यादा लोग जो है वो सड़कों पर उतरे थे, लेकिन आज पूरी व्यवस्था जो है वो पुलिस ने मोर्चे के साथ संभाली है। तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, खुद डीसीपी यहाँ पर मौजूद है। अब से थोड़ी देर में यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचेंगे। दिल्ली का चांदनी चौक का बाजार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर कारोबार करने के लिए आ रहे हैं उनको बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जाए, कैसे लोग मास्क लगा करके मार्केट में पहुंचे, ये तमाम चीजें जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसके साथ साथ बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है कि ताकि लोग जो है वो नियमों को पालन करें। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दिल्ली के तमाम बाजार जो है वो खुले हैं और दिल्ली से ही अगर कहा जाए ये सबसे बड़ा बाजार है, कई हजारों की तादाद में यहाँ पर दुकानें हैं। इसके साथ साथ यहाँ से सटे हुए कई सारे बाजार हैं जहाँ पर होलसेल का कारोबार होता है, रिटेल का कारोबार होता है और ऐसे में तमाम जो व्यापारी हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर मार्केटों में पहुँच रहे हैं और उनके बीच में पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो बनी रहे। CRPF के जवानों को तैनात किया गया है, तमाम ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे उनके चेहरे पर मास्क जरूरी हो। इसके साथ साथ मार्केट की तरफ से तमाम सैनिटाइजेशन का वर्क, थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो अलग अलग मार्केट की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। मीनाक्षी, ये व्यवस्था जो है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से यहाँ पर और प्रशासन की तरफ से की जा रही है ताकि लोग नियमों का पालन करें। और पीछे लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट भी सुना जा सकता है। सुशांत जहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर इस वक्त पाबंदी सुनिश्चित की जा रही है। मुंबई से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुंबई में किस तरह की तस्वीर है, वहां पर किस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और क्या वाकई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है? जी, आपको बता दें मुंबई में और अन्य शहरों में फेज वाइज अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू गई है। लेवल दिए गए हैं, जैसे कि मुंबई को लेवल 1 में डाला गया है जहां पर 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है और 25% से कम ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, इसीलिए मुंबई को लेवल 1 में डाला गया है। इसी तरीके से थाने, जो कि एक सैटेलाइट सिटी है मुंबई के पास, उसे लेवल 2 में डाला गया है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी रेट 25-40% के बीच है। आइए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, दुकानदारों से, क्योंकि आज अनलॉकिंग के तहत दुकानदार जो कि एसेंशियल उसमें नहीं आते थे, एसेंशियल फैसिलिटीज नहीं आते थे, उन्हें भी ऑपरेट करने की इजाजत दी गई है। 4 बजे तक वो ऑपरेट कर सकते हैं, सुबह से 4 बजे शाम तक। आइए कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। सर, अनलॉकिंग आज से शुरू की गई है, 4 बजे तक आप लोगों को ऑपरेट करने की इजाजत दी गई है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग कर रहे हैं? हम लोग इधर डोरी बांध के रखते हैं और कस्टमर को थोड़ा दूरी बना के रखने के लिए बोलते हैं कि आप थोड़ा दूर रखो और एक एक कस्टमर को डील करते कि भाई आप थोड़ा। जी दिवेश, लौटेंगे और डिटेल्स के लिए आपके पास। लंबे लॉकडाउन के बाद आज से दिल्ली को राहत मिल रही है। 19 अप्रैल को 6 दिन के छोटे लॉकडाउन के बाद अब आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, डेढ़ महीने बाद अब आज से दिल्ली अनलॉक हो रही है। उनचास दिन बाद देश की राजधानी दिल्ली अनलॉक हो गई है। करीब 50 दिन लंबे लॉकडाउन को खोलने से पहले
बाकायदा पूरी तैयारी की गई है। तस्वीरें देखिए, दुकानों बाजारों को सैनिटाइज किया गया, दुकानों के बाहर ग्राहक दो गज की दूरी रखें, इसके लिए बाकायदा गोल घेरे बनाए गए, दुकानों के बाहर ऑड इवन की मार्किंग की गई, यानी एक नंबर की दुकानें एक दिन खुलेंगी और दो नंबर वाली दुकानें दूसरे दिन, ताकि एक ही जगह भीड़ ना हो और दो गज की दूरी बनाए रखने में सहूलियत हो। दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगा। वीकली मार्केट, जिम, स्पा, सलून, पार्क, गार्डन अभी नहीं खुलेंगे। दिल्ली में 19 अप्रैल को 6 दिन के छोटे लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और कोरोना केस को देखते हुए इसे हर हफ्ते बढ़ाया जाता रहा। पिछले हफ्ते फैक्ट्रियों और निर्माण कार्य को खोलकर अनलॉकिंग की शुरुआत हुई। अब ये राहत की सबसे बड़ी किस्त आई है। ये जरूरी है कि अगर कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना भी बहुत जरूरी है। काफी सारी और एक्टिविटीज में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। अब जब दिल्ली खुल रही है तो जरा उस दौर को याद करना होगा जब देश की राजधानी कोरोना की प्रचंड लहर से गुजर रही थी। दिल्ली में 20 अप्रैल को एक ही दिन में कोरोना के 28,395 नए केस आए थे। इसकी तुलना कल से कीजिए, कल कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या 381 पर आ गई। लॉकडाउन से बदलाव साफ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी सावधानी जरूरी है। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। दिल्ली की तरह यूपी और महाराष्ट्र भी सख्त पाबंदियों से मुक्त हो रही है। यूपी में सिर्फ 4 जिलों को छोड़कर बाकी 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी गई है। वाराणसी, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद में भी आज से दुकानें खुल गई हैं। सिर्फ लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर में सख्ती जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण काफी नियंत्रण में हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में अब केवल 4 जिले ऐसे रह गए हैं जहां अभी कोरोना कर्फ्यू हमारा लगा है दिन का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इससे भी निजात यहां की जनता को मिलेगी। असमंजस के बीच महाराष्ट्र भी अनलॉक के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में इसे अनलॉक का 5 लेवल प्लान नाम दिया गया है, जो पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी के आधार पर बनाया गया। अगर किसी जिले में संक्रमण की दर 5% से नीचे है और वहां अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड 25% से भी कम भरे हैं, तो वहां पर पूरी तरह से छूट होगी। इसे लेवल 1 का नाम दिया गया है। इसी तरह से लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 के प्रतिबंध तय किए गए, लेकिन 5 एक तरह का रेड जोन होगा जहां लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगेंगी। लेवल 5 में तो अभी महाराष्ट्र का कोई जिला नहीं है। सबसे ज्यादा लेवल 1 के जिले हैं जहां पर आज से पूरी तरह छूट है। लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के जिलों में शर्तों के साथ रियायतें हैं। मुंबई लेवल 3 में है। आज से मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन शुरू हो गई है, लेकिन अभी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही लोकल में सफर कर पाएंगे। मुंबई में बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन भीड़भाड़ से बचने के लिए लोगों को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं दी गई है। जरूरी सेवाओं की दुकानें शाम 4 बजे तक हर दिन खुलेंगी। गैर जरूरी सेवाओं की दुकानें हफ्ते के 5 दिन शाम 4 बजे तक खुलेंगी। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है, ऐसे में जरूरी है कि लोग उस अनुशासन को बनाए रखें ताकि कोरोना को फिर से सिर उठाने का मौका न मिले। आज तक ब्यूरो। यूपी की सबसे बड़ी सियासी अटकल पर विराम लग गया है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अभी ना तो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और ना ही चुनाव में चेहरा बदला जाएगा, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। यूपी की सियासत में पिछले दिनों शुरू हुई सबसे बड़ी अटकल से पर्दा हट गया है। चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी चेहरा नहीं बदलेगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे बीजेपी का चेहरा। योगी की अगुवाई में बीजेपी न सिर्फ चुनावी मैदान में उतरेगी, बल्कि उम्मीदवारों के चयन में भी उनकी मुहर जरूरी होगी। योगी जी मजबूती से बने रहेंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में ही आज क्या है, माननीय योगी जी ने कैसे चुनौतियों का सामना करते, और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा।
के नेतृत्व में चुनाव होगा, उनके चेहरे पे? हाँ, उनके योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। उनकी ईमानदारी, आज मैं कह सकता हूँ कि अपराध उनके शासन में अपराध रुका हुआ है। अपराध कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं अपराध आपने सपा बसपा का शासन देखा है पिछले 5 सालों से, 10 सालों से लूट लिया इस राज्य को, भ्रष्टाचार, ये सब गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार। तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज अपराध मुक्त है, कानून का शासन है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर ये है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल तुरंत नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद जून के आखिर में या जुलाई में मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, खासकर केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के बाद ही ये संभावित है। दरअसल बीते करीब 10 दिनों से मंत्रियों और विधायकों से बीएल संतोष की बातचीत के बाद ही यूपी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की बात सामने आई थी। साथ ही चर्चा इस बात की भी थी कि पीएम मोदी के करीबी एके शर्मा को मंत्रिमंडल में अहम पद दिया जा सकता है। इसके अलावा यूपी को लेकर बीजेपी में सियासी मंथन के बीच जब प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात को पहुंचे तो चर्चाओं का बाजार अचानक गर्म हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल को एक लिफाफा भी सौंपा था। इस लिफाफे ने यूपी में बीजेपी की राजनीति को लेकर जारी असमंजस और बढ़ा दिया था। हालांकि राधा मोहन ने आनंदीबेन से मुलाकात को औपचारिक बताकर सस्पेंस और बढ़ा दिया था। प्रभारी बनने के बाद अभी तक उनसे मैं मुलाकात नहीं कर सका था, तो उनसे मिलने गया था। जहां तक सरकार और संगठन का सवाल है, देश में सबसे लोकप्रिय अभी कोई राज्य सरकार है तो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार है, और देश में यदि संगठन कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब सारा सस्पेंस खत्म हो गया है। यूपी में योगी नाम केवलम। समर्थ श्रीवास्तव और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। राजस्थान की गहलोत सरकार स्वास्थ्य सेवा पर अक्सर तार ठोकती रहती है। वहां के मुख्यमंत्री, वहां के स्वास्थ्य मंत्री बेहतर इंतजामों की दाद देते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में अराजकता की पोल खोलने वाली तस्वीर दिखाएंगे। ये कहानी जयपुर के करीब के 2 गांव की है। इन दोनों ही गांवों की आबादी 30,000 के करीब है। यहां 2 करोड़ की लागत से नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है, लेकिन लोगों का इलाज होता है मदरसे के कमरे में चल रहे अस्पताल में, जहां ना तो नर्स है ना डॉक्टर, यहां तक कि बिजली भी निरारद है। अंधेर सिस्टम, चौपट इंतजाम, गहलोत राज में स्वास्थ्य सेवा किस कदर गर्त में डूब चुकी है, इसकी बानगी आपकी नजरों के सामने है। कहने को यहाँ अस्पताल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ इलाज के नाम पर मजाक हो रहा है। एक एक कर यहाँ का हाल हम आपको दिखाते हैं और आप बस देखते जाइए। मदरसे में अस्पताल चलते आप पहली बार देख रहे होंगे। एक कमरे में अस्पताल चलाने का अद्भुत कौशल भी आपको पहली बार ही नजर आएगा। वन रूम सेटअप के अस्पताल पर 30,000 लोगों के इलाज का जिम्मा है। सरकारी दस्तावेजों में 12 लोगों की भारी भरकम टीम है, लेकिन बैठने की जगह ना होने की वजह से 7 कर्मचारी डेपुटेशन पर चले गए। एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी 3 मार्च को यहाँ से चलते भरे। 2 कर्मचारियों को वैक्सीनेशन ड्यूटी में लगा रखा है। अब यहाँ सिर्फ 2 स्टाफ बचे हैं, एक नर्सिंग का और दूसरा यूनानी डॉक्टर। 2 सालों से यह अस्पताल बिना बिजली के चल रहा है, क्योंकि मदरसे वालों ने सप्लाई काट दी। भीषण गर्मी में मरीजों को पंखे की हवा तक नसीब नहीं है। अच्छा इलाज तो दूर की बात रही। जयपुर से सटे ताला गांव के इस अस्पताल से गांव वालों को कितना फायदा हो रहा है, इसे समझने में आपको ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ेगा। जयपुर के ताला गांव का यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। एक कमरे का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक कमरे में ही 15,000 की आबादी वाले गांव का इलाज डॉक्टर करते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से दवाइयां रखी हुई है। इतनी भी जगह नहीं है, सिर पर रखकर दवाइयों को लेकर आते हैं मेडिकल स्टाफ। ये स्थिति है यहाँ पर। 12 लोगों का स्टाफ है, डॉक्टर है, मगर एलोपैथ के डॉक्टर यहाँ पर है नहीं, यूनानी डॉक्टर है जो इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टाफ है, करीब 7 स्टाफ डेप्टेशन पे चले गए हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, यूनानी डॉक्टर हैं,
उनसे हम बातचीत करते हैं। हमारी साल में ये समझ लीजिए कोई छुट्टी नहीं होती है, हम अपना डे ऑफ भी नहीं लेते हैं। कब से पंखा नहीं चलता? तकरीबन पिछले 7 साल से यही पोजीशन है जब से हम इसमें शिफ्ट हुए। तो इसमें आप हम पसीना है या कुछ भी है, कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, सर्दी हो, हम इसी पोजीशन में, ये आपके सामने है जो भी कुछ है। दरअसल इस अस्पताल का हाल देखकर आप इसे ऐसा वैसा अस्पताल समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ये इतना बदहाल क्यों है इसकी वजह भी जान लीजिए। मदरसे के एक कमरे में चल रहा यह अस्पताल तो बस मजबूरी का दूसरा नाम है। असली अस्पताल तो ये है जो पूरी तरह बनकर तैयार होने के बाद भी किसी काम का नहीं। और ऐसा क्यों, ये बता रहे आज तक संवाददाता शरद कुमार। ताला गांव की आबादी 15,000 से ज्यादा है। 2.5 साल से ऊपर हो गए अस्पताल को बने हुए। PHC है जहां पर डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ होना चाहिए। देखिए बोर्ड लगा हुआ है लोकार्पण का, इसमें लिखा है विधायक महोदय ने इसका लोकार्पण किया है 4 अक्टूबर 2018 को। 4 अक्टूबर 2018 के बाद ये सारे आपको बोर्ड यहाँ पर पोस्टर चिपके हुए हैं। हर गांव में डॉक्टर द्वारा परामर्श की सुविधा, आयुष्मान भारत सब कुछ है, बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर अस्पताल नहीं चलता है। अस्पताल नहीं चलने की वजह है कि ये जो बिल्डिंग बनी है 2.5 सालों में गवर्नमेंट इसको टेक ओवर नहीं कर पाई। जितनी तरह के फैसिलिटी एक अस्पताल में होनी चाहिए, ये नर्सिंग ड्यूटी का कमरा है, सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। सुविधा के लिहाज से अस्पताल को पूरी से तैयार किया गया। प्रसव कक्ष है, महिला वार्ड है, ऑपरेशन कक्ष है। सिर्फ यहाँ पर 2.5 साल से ज्यादा वक्त से इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। जरा सोचिए, जिस देश में बुनियादी इंतजामों की मारामारी है, वहाँ राजस्थान का ये शानदार अस्पताल तैयार होने के बाद भी शुरू होने का इंतजार कर रहा है। 2 करोड़ की लागत से खड़ी इस इमारत की चौखट टूटने लगी है। दीमकों ने इस अस्पताल में डेरा जमा लिया है। कोई फैसिलिटी नहीं है इस गांव में। 30,000 की आबादी होने के बावजूद फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर है नहीं। यहाँ आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं, आते हैं टाइम पास करके। वो छोटे मोटे डॉक्टर हैं, उसको डॉक्टर नहीं बोल सकते आप, वो कंपाउंडर है। वो ताला जो जम्बोरामगढ़ क्षेत्र में आता है उसके अंदर एक पहले सब सेंटर था, वहाँ पर PHC का काम चल रहा था। PHC वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से PHC चल रही थी वहाँ पर। वो देखते हुए नया भवन बनाया गया PHC के लिए और 2020 के अंदर उनको निर्धारित करके उनको हैंड ओवर किया जा चुका है गवर्नमेंट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को। क्योंकि अभी वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर चलाया जा रहा है, उनको निर्देशित किए जा चुके हैं 2020 में कि उसमें शिफ्ट किए जाने के लिए। तो वहाँ पर जो सब सेंटर में जो लोग हैं जो बैठते हैं मेडिकल के लोग हैं, उनको उसमें उस नए भवन में बैठना सुनिश्चित करना होगा। एलोपैथ का तो ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट का, फिर ट्रीटमेंट जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं जनरली जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपन पेशेंट को देते हैं, जैसे जुकाम बुखार का। या ज्यादा सीरियस पेशेंट होता है तो यहाँ अपने पास पूरी फैसिलिटीज नहीं है तो पेशेंट को हायर सेंटर के लिए अपन भेज देते हैं। ये गहलोत राज्य में इंतजामों का हाल है। यहाँ एक तरफ करोड़ों की लागत से बनी इमारत उद्घाटन की राह देख रही है तो दूसरी तरफ मदरसे के एक कमरे में अस्पताल के नाम पर जनता से धोखाधड़ी हो रही है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो राजस्थान में बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी, इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये जाना। लेकिन आबादी लगातार बढ़ रही है तो अस्पतालों की संख्या जस की तस है। हमारी रिसर्च टीम ने राजस्थान के बारे में जो आंकड़े दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं की कहानी ये आंकड़े बयां कर रहे हैं। राजस्थान का हाल ये है कि करीब 6,85,00,000 की आबादी वाले राजस्थान में सिर्फ 2,080 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यानी कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 32,932 लोगों के स्वास्थ्य को संभालने का जिम्मा है। और अब ऐसे हालात में भी अगर स्वास्थ्य केंद्रों की ये हालत है जैसी हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई तो ऐसे में सवाल तो गंभीर बनते हैं। शरद कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं जयपुर से हमारे साथ और जानकारी के साथ। शरद, 2 करोड़ की लागत से अस्पताल बनता है, 2018 में बनता है और अब तक वो चल नहीं पा रहा, और वो भी एक ऐसे समय में जब कोविड संक्रमण की दूसरी लहर ने लोगों को मजबूर कर दिया, दर दर भटकते रहे लोग। आखिर कब प्रशासन इस पर जागेगा और कब ये अस्पताल सुचारू रूप से चल पाएगा? किसी तरह का कोई फीडबैक सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट को देखने के बाद मिल पा रहा है?
देखिए 2012 से कागजों पर चल रहा है और पीएससी जो होता है प्राथमिक स्तर पर सबसे बड़ा अस्पताल होता है। 12 स्टाफ एक कमरे में बैठ नहीं सकते, लिहाजा सब यहां से छोड़ के चले गए डेप्टेशन पर। और नर्सिंग कर्मी यूनानी डॉक्टर अंग्रेजी दवाई बांटता है और उसका इलाज, जितनी आप दवा देख रहे हैं वो सब नर्सिंग कर्मी उसका डॉक्टर है, यूनानी जो डॉक्टर है, वहां पर कोई एलोपैथ का डॉक्टर नहीं है, लेकिन इलाज चल रहा है। अब जब हमने पूछा है सीएमएचओ से तो ये कल हमसे कहा गया कि कल हमने पत्रावली मंगाई है और जल्दी से जल्दी हम शिफ्ट करने के आदेश देंगे, लेकिन उसमें हम जो हमें पता चला उसमें पेंच फंसा हुआ है कि ठेकेदार जो है वो पेमेंट मांग रहा है और ये कह रहे हैं कि काम जिस तरह से कराना चाहते थे हम हुआ नहीं। 2012 में शुरू हुआ था काम, 18 में कंप्लीट हुआ है और अब तक ये अस्पताल अब टाइल से गिरने लगी है, धूल मकड़ी खाने लगा है। लेकिन ये जयपुर की बात है जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर और चिकित्सा मंत्री बैठते हैं, चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं। ग्रामीण इलाकों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। ये हालत है, 30 इस अस्पताल के अंदर 2 अस्पताल और आते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र, चूंकि ये पीएससी है तो उपकेंद्र भी आते हैं। 30,000 की आबादी हो जाती है दोनों उपकेंद्र को मिलाकर और वहां पर यूनानी डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी के भरोसे कागजों पर सरकारी अस्पताल चल रहा है जिसमें वो सारा इलाज करते हैं बैठकर और सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। जी मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपने देखा किस तरीके से जब इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है करोड़ों की लागत से, उसका इस्तेमाल नहीं होता है और यूं ही वो धूल फांकती रहती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली, मुंबई, यूपी सहित कई राज्यों में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। पहले दिन कई शहरों से लापरवाही की तस्वीरें भी दिखाई दे रही, सड़क पर, वाहन में, मेट्रो में भीड़भाड़ देखी जा रही है। जैसे ही तालाबंदी से मुक्ति मिली, आजादी की आबोहवा में सांस लेने का मौका मिला, जनता को रौ में आते देर नहीं लगी। शिव की नगरी वाराणसी में पूड़ियों कचौड़ियों की कड़ाही से फिर से उबलने लगी। यूपी के तमाम शहरों में अनलॉक के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तस्वीरें देखिए, सड़कों पर, बाजारों में फिर से सरगर्मी शुरू हो गई है, दुकानों के शटर उठने लगे, खरीदारों की गहमागहमी बढ़ने लगी। एक लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर जो है धीरे धीरे खोल रहा है, तो नोएडा में किस तरह की तैयारियां हैं? नियम दरअसल इस बार बेहद सख्त होंगे, यानी 7 बजे से लेकर के 7 बजे तक ही जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, दुकान हैं, बाजार हैं, वो खुल सकेंगे। खुले बाजारों को निगरानी में और सामाजिक दूरी इस बार जाहिर उस पर नजर बनी रहेगी, तो वो निगरानी में खोले जाएंगे। ऐसे जो प्रतिष्ठान हैं वहां पर भी कुछ नियम तय कर दिए गए हैं, यानी जो लोग आएंगे वो सामाजिक दूरी बनाते हुए आएंगे, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, वो किसी भी हाल में ना होने पाए, काउंटर्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, जो लोग आए उनके बीच उचित दूरी हो, मास्क जरूर पहने। साथ ही जो दूसरे प्रतिष्ठान है, निजी दफ्तर है, वहां लोगों के आने जाने की अनुमति दे दी गई है ताकि जिंदगी पटरी पर लौटे, काम धाम शुरू हो सके। दिल्ली में भी जिंदगी एक दफा फिर से पटरी पर लौटती नजर आ रही है। पाबंदी हटते ही सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें बता रही हैं कि लोगों को इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार था। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन शहरों में कोविड के मामले तेजी से कम हुए हैं उन जगहों पर ही ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है उन शहरों में, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर नहीं होगी। यानी ये जो आप बाजारे हैं, जो आप ओपन में ये दुकानें देख रहे हैं, ये दुकानें खुल सकेंगी। अब ये तस्वीरें देखिए जो आपको थोड़ा सुकून देगी, आखिर जिंदगी को पाबंदी की बेड़ियों में कब तक बांधा जा सकता है, लॉकडाउन आखिर कब तक? लॉकडाउन संक्रमण को रोकने का लंबा जरिया नहीं हो सकता। दिल्ली में मेट्रो सेवा की शुरुआत हो रही है सावधानी और सतर्कता के साथ, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मेट्रो सेवा की शुरुआत कहीं खतरनाक ना हो जाए। तीसरा जो अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है, अब हर कोई घर से बाहर आना चाहता है, भाई इकोनॉमी को भी हमें रिवाइव करना है, लेकिन एक जार होता है उसके अंदर स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग अगर लिड के साथ, ढक्कन के साथ अटैच होता है, उसको मैं खोलता हूं तो मुझे धीरे धीरे खोलना है, नहीं तो स्प्रिंग तो एकदम बाहर निकलेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को हिलाकर रख दिया, लाखों केस, हजारों मौतें, देश में हर तरफ त्राही त्राही हाहाकार था। अब नए केस में लगातार गिरावट है, मौत के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, पाबंदियां हटाई जा रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना हमारे आसपास ही है, वो कहीं गया नहीं है। हमारी असावधानी कोरोना को फिर से पांव पसारने का मौका दे सकती है, इसीलिए सावधानी जरूरी है। नोएडा से आशुतोष मिश्रा, दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।
तो अनलॉक के साथ ही दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने का दारोमदार और ज्यादा बढ़ जाएगा। आर्थिक संवाददाता अरविंद ओझा ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव से नई चुनौतियों पर बात की। दिल्ली में अनलॉक शुरू हो चुका है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली पुलिस की है। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के मुखिया, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव हैं। सबसे पहला सवाल सर, ये अनलॉक शुरू हो चुका है, दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है, किस तरह से तैयारी है? दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है। सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि जो अनलॉक हुई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बीमारी जो है ख़त्म नहीं हुई है, कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। तो सभी से यही कहना है कि जो जो सावधानी होनी चाहिए, मास्क पहनने का और आपस में दूरियां बना के रखने का, वो चलते रहना चाहिए। जो एक महीना पहले या 20 दिन पहले जो स्थिति थी वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। पिछली बार देखा था आप लगातार दिल्ली पुलिस चालान काट रही थी लोगों का, कई जगह गांधीगिरी भी दिखाई, गुलाब का फूल दिखाया गया, आपके ऑफिसर समझा रहे थे, अब इस अनलॉक में क्या होगा? हम समय के अनुसार से अपनी नीति बदलते हैं, अपने रणनीति बदलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वही है, लोगों का भलाई, लोग स्वस्थ रहें, बीमार से दूर रहें, देश उन्नति करे, तो यही हमारा उद्देश्य है। तो इस दिशा में जो भी बन पड़ेगा वो हम करेंगे। मतलब चालान वगैरह अगर जो रूल फॉलो नहीं करेंगे, कई बार में उसका चालान काटा जाएगा? चालान भी काटा जाएगा, उनको समझाया भी जाएगा, उनको हर एक प्रकार से मदद भी की जाएगी, लेकिन उन्हें इस कोरोना को भगाना होगा।